पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये वाला बताया था कि इस तरीके का अगर कॉलम रहेगा 90 डिग्री में तो उसका बेस प्लेट हम कैसे लगाएंगे, वो मैंने आप लोगों को पूरा जो है प्रोसेस दिखाया। तो आज इस वीडियो में हम इस टाइप का अगर कॉलम रहता है नैरो कॉलम, ठीक है, या फिर ट्रसल वगैरह, तो उसका जो है बेस प्लेट हम कैसे लगाएंगे, तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में ये आपको मैं बना करके दिखाया था कि बेस प्लेट कैसे, मार्किंग भी करके दिखाया था। तो मार्किंग में इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा, अगर आपको बेस प्लेट का मार्किंग देखना है, उसका पूरा प्रोसेस देखना है, तो जो हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया वो आप देखिए, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम आपको सिंपली ये दिखाने वाले हैं कि अगर डिग्री में रहता है, ठीक है, कोई कॉलम, तो हम उसको कैसे जो है फिटअप करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने बीम को कुछ इस तरीके से रख दिया। देखिए, यहाँ पे जहाँ पे बेस प्लेट लगेगा वहाँ का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, ठीक है, और आगे का अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये देख सकते हैं आगे का डिस्टेंस जो है वो कम है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले बीम रखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली लाइन डोरी लेना है, ठीक है, और आपको देखना है कि ये सीधा कहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से आपको लाइन डोरी पकड़ना है, ठीक है, मतलब बीम का एंड में आपको, ये जो बीम का एंड देख रहे हैं उसका बीम का एंड और इधर का बीम का एंड, दोनों में आपको इस तरीके से लाइन डोरी लगाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे आ गया हमारा, और सेम इधर पे हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से कितना आया है वो देख लेना है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं लगभग 5 mm के करीब आया है, तो 5 mm आपको क्या करना है, नीचे में भी मार्क कर देना है इस तरीके से, ठीक है, इधर भी, और 5 mm आपको इधर भी मार्क कर देना है नीचे में, ओके। और फिर उसके बाद इसको कटिंग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर देता हूँ इसको, तो ये हमने कटिंग कर दिया, ओके। अभी सेम आपको इधर भी कटिंग करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को जो मतलब तरीका होता है बनाने का वो बता रहा हूँ, अब जब आप बनाओगे तो वहां पे थोड़ी आप सीजर वगैरह लेके कटिंग करोगे, आपका जो कटिंग सेट है या फिर जो ग्राइंडिंग मशीन है उसी से आप अपना काम करोगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को मतलब कैसे किया जाता है वो तरीका यहाँ पे बतला रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे कटिंग कर दिया, आप देख सकते हैं, और सेम इधर का भी। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए, ये कटिंग हो चुका है, ठीक है। अब कटिंग होने के बाद आपको फिर से एक बार इसको चेक कर लेना है, ठीक है। और हाँ, ये जो बीच का जो आपका जो वेब रहेगा, तो वेब को भी आपको डिग्री में कटिंग करना है, ठीक है, या फिर वेब को आप ग्राइंडिंग भी मार सकते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना करे, वरना फिर वेब अगर फ्लैट ही रह जाता है तो फिर आपको फिर जो है ये गैप करेगा और फिर जो है दिक्कत होगा आप लोगों को। तो इसलिए इसको भी आप लोगों को थोड़ा मतलब डिग्री में कटिंग कर लेना है, जिस साइड ये डिग्री में है उस साइड, ओके। तो अब इस पे आपको क्या करना है, बेस प्लेट रख देना है ऐसे। हमने पिछला वाला वीडियो में हमने ये पूरा आपको मार्किंग समझाया था, ठीक है, ये क्लिट किस तरीके से लगाना है, कितना डिस्टेंस पे लगाना है, वो भी हमने पूरा आपको जो है बताया हुआ था पिछला वाला वीडियो में, तो आप उस वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे इसको रख देना है, ओके, इधर का और इधर का दोनों साइड इस तरीके से रख दे। तो उसके बाद अब क्या करना है, अब देखिए, इसमें आपको कहीं पे भी राइट एंगल यूज नहीं करना है। जब आप इस तरीके का, जब आप नैरो टाइप का मतलब ये वाला जब आप कॉलम बनाते हो इस टाइप का, तो इसमें आपको कहीं पे भी राइट एंगल का यूज नहीं करना है, ठीक है। राइट एंगल का काम इसमें नहीं है बेस प्लेट लगाने के टाइम पे। तो उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको देखना है कि ये जो डिग्री में है वो हमारा सही है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, ठीक है, तो इसको सही करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसको पहले सही करता हूँ, तो देख सकते हैं हमने इसको सही कर दिया। अब आपको क्या करना है, लाइन डोरी से फिर से चेक करना है। तो देखिए, ये जो है सही आ रहा है, कहीं पे भी गैप नहीं आ रहा है, तो ये आपको पहले चेक कर लेना, ओके, नीचे और ऊपर दोनों जगह पे चेक कर लेना। उसके बाद आपको इसका जो होल है वो आपको चेक करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा होल हो गया, इधर का देखिए, ये दोनों होल हमने मिला दिया, और सेम आपको ये वाला होल भी दोनों मतलब मैच कर देना है, ठीक है। मतलब ये होल कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये होल जो है चारों एक लेवल में होना चाहिए कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं चारों होल बिल्कुल जो है लेवल होना चाहिए, ये आपको मिलाना पड़ेगा। तो ये होने के बाद क्या, उसके बाद आपको ये वर्टिकलिटी चेक कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था कि ये जो आपका होल है नीचे और ऊपर का, ये दोनों बिल्कुल सीधा होना चाहिए दोनों कॉलम का, ठीक है। ये अगर सीधा है तो समझिए आपका जो बेस है वो बिल्कुल ओके है, ठीक है। और आपको टेप से भी चेक कर लेना, जैसे कि ड्राइंग में कितना दिया हुआ है होल टू होल, जैसे ड्राइंग में अगर 2 मीटर दिया हुआ है होल टू होल, तो आपको क्या करना है, देख लेना की होल टू होल जो है ये 2 मीटर है या नहीं, ओके। 2 मीटर ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप इस बीम को जब सब सही से रखोगे तब, ठीक है। फ्रेंड्स, ये इस तरीके का जब हम कॉलम बनाते हैं तो इसमें जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है,
ठीक है, मतलब कि जब हम इसको सेट करते हैं तो उस टाइम पे हमें दिक्कत आती है, तो उसका एक अलग से फॉर्मूला है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। वो फॉर्मूला ये है कि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा अगर 2 मीटर दूरी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूरी कितना रखेंगे कि यहाँ पे 2 मीटर आ जाए, मतलब उस वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मान लेते हैं हमारा जो टॉप है एकदम लास्ट में, वहां पे अगर 1 मीटर है, ठीक है, तो हम कितना मतलब पीछे में कितना गैप करके रखेंगे कि आगे में 1 मीटर आ जाए, तो वो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम का है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स हमने अभी तक आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है अपने चैनल पे, लगभग 250+ वीडियो हमने डाल दिया आप लोगों के लिए, तो जाइए चैनल पे और देखिए और सीखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।